राम राम जी मेरे सारे भाइयों को। भाई आज हमारे पास है हर्ष वर्मा की है विट पिलियन 250 एंड बताने वाले हैं भाई क्या पड़ रही है अपने शोरूम, क्या पड़ रही है अपनी ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर और क्या क्या फीचर न्यूली अपने एडवांस में इस बाइक के अंदर। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को अपनी स्टार्ट बिना किसी देरी के। भाइयों बात करते हैं अपने पहले बाइक के फ्रंट से। तो ऊपर देने मिलता है आपको डिस्प्ले, लगे मिलता है आपको नंबर प्लेट प्लेसमेंट आप सभी को अपनी, नीचे मिलता है पूरा आपको अपना हेडलैम्प मिलता है जो मिलता है पूरा आपको अपना सर्कल टाइप फिनिश के अंदर आपको देखने मिलता है पूरा अपना हेडलैम्प जो कि इसमें आपको अपनी कोई डीआरएस वगैरह इसमें मिलती नहीं है। और इसके अंदर बस अपना एक एलईडी पूरा मिल जाता है आपको अपना हेडलैम्प आपको अपना एलईडी के अंदर। इसके अंदर मिलते हैं आपको अपने इंडिकेटर जो मिलते हैं आपको अपने एलईडी के अंदर, विद मिलते हैं आपको अपने हजार्ड्स के ऑप्शंस के साथ में आप सभी को अपना, ठीक है। एंड बात करें नीचे की तरफ तो भाई आप नीचे आप सबको अपने यूएसडी फॉक मिल रहे हैं आपको अपने डब्ल्यूपी एपेक्स के दोनों देखने को। एंड साइड में लग के मिल रहा है आपको देखने को अपने रिफ्लेक्टर मिल रहा है आपको ऑरेंज कलर के अपना यहाँ पर लग के मिल रहा है अपना। एंड बात करें बीच में तो भाई यहाँ पे अपना एच का मिल रहा है आपको लोगो अपना, बाकी ये लग के मिल रहा है पूरा आपको मिल रहा है फाइबर फिनिश का मैट फिनिश में ब्लॉक मैट ब्लैक फिनिश में मिल रहा है आपको। इसका मडगार्ड जो मिल रहा है पूरा आपको अपना मिलता है बॉडी कलर के अंदर आप सभी को अपना। एंड यहाँ पर बात करें साइड बाइक के अपने डिस्क साइज की तो भाई ये आपको अपनी 320 mm की बाइक के अंदर आपको अपनी डिस्क साइज लगकर मिल रही है। एंड ये लगे मिल रही है आपको अपनी डीए मिल रही है आपको अपनी डिस्क की मिल रही है आपको अपनी जो एबीसी प्लेट होती है देखने के लिए लगे मिल रही है आपको अंदर बाइक के अंदर आप सभी को अपना डुअल चैनल एबीएस लगकर मिल जाता है। एंड भाई बात करें बाइक के अपने टायर साइज की तो भाई ये आपको MRF 110/70R 17 inch का लगे मिल रहा है। इसमें आपको ट्यूबलेस सर आप सभी को अपना MRF का देखने मिल जाता है। एंड बात करें अपने एलॉयज की तो भाई ये आपको अपना 5 spoke 6 spoke है एक मैं देख रहा हूँ भाई हाँ तो भाई ये आप सभी को अपना 6 spoke अलेवेबल देखने को मिल जाता है इस सभी को देखने में। बाकी यहाँ पे आपको 110/70R 17 inch के मिल रही है आपको अपनी ब्रांडिंग MRF पर ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है बाइक के अंदर फ्रंट वाले में। एंड बात करें नीचे की तरफ तो भाई यहाँ लग के मिल रहा है बाइक आपको मिलता है आपको लिक्विड कूल्ड तो बाइक के अंदर लग के मिल रहा है आपको रेडर जिसमें यहाँ से अपनी बाइक का अपना कूलेंट वगैरह यहाँ से अपना टॉपअप अपना यहाँ से होता है। बाकी कर्व्ड जो कर्व्ड टाइप का जैसे एक तो सीधा होता है एक होता है कर्व्ड में तो भाई ये कर्व्ड में देखने को मिल रहा है आपको अपना इसका रेडर ग्रिल इस तरीके से। चालू करते हैं एक बार अपनी ऑफ। एंड बात करें बाइक के अपने साइड प्रोफाइल लुक की तो भाई कुछ निकल के आता है अपना ऐसा। अगर बाइक का मतलब थोड़ा सा बहुत बताऊँ तो बाइक का जो फ्रंट से लुक आता है वो अपना थोड़ा सा कैफे रेसेस से अपना मिलता जुलता देखने में लगता है अपना लुक आपको। बाकी इसका हैंडल वगैरह अगर थोड़ा चेंज हो जाए अपना तो भाई ये बिल्कुल कैफे रेसर की लुक की अपनी बाइक देखने में लगी थी कुछ बाइक की अपनी सर्टिफाई के पूरी लुक अपनी। एंड भाई बात करते हैं बाइक के अपने पहले मेन ग्राउंड क्लियरेंस की तो भाई बाइक के अंदर आपको अपना 177 mm का देखने को मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस आप सभी को अपना। ये मिलता है आपको अपना 250 से मिलता है कोई इंजन देखने को जो मिलता है अपने के देखने साथ में आप सभी को अपनी। बाकी यहाँ से अपना जो आपको ऑयल का जो लेवल है यहाँ से आपको मिलता है ट्रांसपेरेंट के अंदर यहाँ से अपने चेक करते हैं तो भाई बाइक के अंदर आपको कितना ऑयल बच रहा है कि नहीं बच रहा अपना। एंड यहाँ के मिलता है बाइक का अपना ऑयल फिल्टर वगैरह। एंड बाइक में लगे मिलता है आपको अपना हॉर्न जो मिलता है आपको अपने सिंगल टाइप में मिल रहा है उसका हॉर्न आप सभी को अपना। एंड ये मिल रहा है अपना एग्जॉस्ट ये पूरा आ रहा है बेंड पाइप आप सभी को इस तरीके से। एंड जो मिलता है आपको अपना अंडर बैली भी मिलता है इसका आपको अपना एग्जॉस्ट इस तरीके से। एंड ये मिल रहा है पूरा पार्ट मिल रहा है आपको एलुमिनियम के अंदर आप सभी को देखने को। बाकी जो उसकी जो उसकी चेसिस है वो जो ब्लैक ग्लॉसी के अंदर मिल रही है बट जो चेसिस की कोई भी कवर नहीं करी वो पूरी यहाँ से अपनी ओपन देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ लग के मिल रहा है इसका अपना कॉइल यहाँ से अपनी बाइक के अंदर कूलेंट वगैरह बाइक के अंदर अपना आपको डलेगा यहाँ से ठीक है जी इस तरीके से। एंड ये मिल रही है आपको अपनी ब्रेक पेडल मिल रहा है पीछे वाला लेकिन मिल रहा है इसका फुटरेस्ट आगे वाला। एंड ये मिल रही है आपको अपनी यहाँ पीछे मिल रही है आपको अपनी डिस्क तो यहाँ पर जो बाइक में अपना डिस्क जो पीछे वाला होता है उसका ऑयल वगैरह यहाँ से अपना पिलअप वगैरह अपने यहाँ से होगा अपना ठीक है। और बाकी ये मिल रहा है पूरा आपको स्विंगम जो मिल रहा है पूरा आपको एल्यूमिनियम फिनिश के अंदर आप सभी को अपनी। एंड बाकी ये पार्ट भी आपको बाइक की एल्यूमिनियम के अंदर फिनिश के अंदर पूरा देखने को मिल जाता है। और ये पार्ट मिल रहा है पूरा ये मिल रहा है पूरा प्लास्टिक फिनिश के अंदर आप सभी को अपनी। एंड जो बैक कलर है वो मिल रहा है वाइट मैट कलर के अंदर आपको इस कलर का मिल रहा है। एंड बाकी इसके अंदर आपको अपना जो टच दिया है वो आपको अपना ग्लॉसी ब्लैक के अंदर आपको उसका टच दिया हुआ है यहाँ पर देख रहे हो टच दिया हुआ है। एंड जो यहाँ पर भी आपको उसका टच दिया हुआ है इस तरीके से। बाकी ये जो पूरा पोर्शन मिल रहा है ये मिल रहा है पूरा आपको मेटल फिनिश के अंदर आप सभी को अपना ओके जी। एंड ये मिल रहा है पूरा मिल रहा है आपको फायर फिनिश के अंदर मिल रही पूरी बॉडी आप सभी को अपनी। एंड ये वाइट मैट फिनिश दी हुई है। एंड थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर अपनी नियॉन ग्रीन कलर थोड़ी डार्क येलो कलर के अंदर आपको अपनी दी आपको अपनी स्ट्रिप लाइन आप सभी को इस तरीके से कैमरे में आपको लगा के जैसे कि थोड़ी ये नियॉन कलर है बट ये डार्क येलो कलर में आपको दी हुई है इस तरीके से इसकी स्ट्रिप लाइन यहाँ दी हुई है ताकि थोड़ी सी जो लुक है अपनी आई कैची अपनी बाइक बने अपनी इस तरीके से। एंड बाकी बात करें पीछे वाले डिस्क साइज की तो भाई ये आपको 230 mm की देखने को मिलती है पीछे वाले डिस्क साइज आप सभी को अपनी बाइक मिलती है आपको अपनी डुअल चैनल एबीएस पीछे भी आपको देखिए आपको एबीएस आपको देखने को प्लेट आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है।
एंड पीछे वाली बात करें टायर सेक्शन की, तो भाई ये आपको MRF का यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट बताता हूँ आप सभी को, अपना 150/60 R17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है आपको MRF के साथ में, वो भी आपको 5 स्पोक मैट फिनिश का मिल रहा है आपको। देखो एलॉय व्हील आपको इस तरीके से में काफ़ी ज़्यादा इसका टायर आपको ब्रॉड 150 सेक्शन का देखने को उसके अंदर मिल जाता है आपको। एंड बात करें पीछे वाले टेल सेक्शन की, तो भाई ये आपको लक्कन मिलता है इसके, आप ग्रे पेंट जो मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक के अंदर, इस फिनिश के अंदर भाई काफ़ी हैवी क्वालिटी के अंदर देखने को मिल जाता है इस तरीके से। एंड जो भाई अपना पिलियन पीछे बैठेगा उसके लिए आपको अपनी स्ट्रिप, जो स्ट्रिप मिल रही है, बेल्ट मिल रही है, वो भी मिल रही है आपको, जहाँ पर आप विड पिलियन की ओर की आपको ब्रांडिंग है इस तरीके से। एंड बाकी यहाँ पर पीछे आपके आपको अपने ग्रेप हैंडल्स भी बाइक के अंदर दिए हुए हैं अपने इस तरीके से। एंड बात करें पीछे टेल सेक्शन की, तो भाई ये मिल रहा है पूरा, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट आराम से। हाँ जी, तो ये पूरा आपको ये मिल रहा है एलईडी के अंदर इस तरीके से। एंड यहाँ पर पूरा देखने को मिल रहा है आपको अपने एलईडी सेक्शन के अंदर इस तरीके से। एंड अगर हम बाइक पे ब्रेक प्रेस करेंगे अपना, तो भाई ये अंदर की जो अपनी एलईडी है जो यहाँ पर दिख रही है आपको ऊपर तरफ, ये भैया आपकी ब्लिंक करेंगे अपनी। एंड बाकी ये मिल रहा है पूरा आपको अपने इसके अंदर दिखा हुआ एलईडी सेक्शन पूरा देखना लाइट का इसका। एंड एक बार आपको इतना तो अपने इंडिकेटर्स, तो भाई पीछे वाले भी आपको अपने एलईडी इंडिकेटर्स बाइक के अंदर दिए हुए हैं इस तरीके से। नीचे दिए आपको अपने एलईडी लाइट, जिसमें आपकी नंबर प्लेट के जो आपकी रात को अपने नंबर की जो नंबर प्लेट है आपकी अच्छे तरीके से विजिबल हो अपनी। एंड यहाँ क्या मिल रहा है देखने को, सिर्फ रिफ्लेक्टर जो मिल रहा है आपको रेड फिनिश के अंदर देखने को। एंड बाकी ये था पूछ पूरा था पूरा इसका टेल सेक्शन इस तरीके से। एंड यहाँ बात करें सस्पेंशन की, तो भाई ये भी आपको WP-FX का मोनोसो सस्पेंशन लगा हुआ बाइक इसमें लगा हुआ वाइट फिनिश के अंदर, जो बाइक की वाइट रहती है अपनी। एंड जो सस्पेंशन मिल रहा है वो भी आपको अपने वाइट फिनिश के अंदर देखने को मिल जाता है इस तरीके से। एंड अब आते हैं बाइक की अपनी इस तरफ, तो भाई यहाँ पर आपको दिखाते हैं, तो भाई यहाँ लग के मिल रहा है बाइक के अंदर लग के मिल रहा है आपको अपना साड़ी गार्ड इस तरीके से। एंड ये लग के मिल रहा है, यहाँ लग के मिल रहा है आपको फाइबर का चेन कवर देखने को मिल जाता है इस तरीके से। एंड बाकी फुट रेस्ट पे आपको मिल रहा है अपनी एडजस्टेबल, बाकी ये लग के मिल रहा है इसका चेन स्पॉकेट आपको, बाकी यहाँ पर पूरा आपको एल्यूमिनियम के अंदर देखने को मिल रहा है इसका पूरा आपको स्विंग आर्म आपको किस तरीके से। एंड यहाँ पर भी मिल रही है फुटेज आपकी बाइक में, आपको अपने सिर्फ स्पीड गियर बॉक्स मैनुअली मिल रहा है। एंड यहाँ तक कि बाइक के अंदर आप सभी को अपनी क्विक शिफ्टर का भी इसमें मिल रहा है आपको अपना ऑप्शन ऑप्शन के इसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी इस बाइक के अंदर आपको अपना विद पिलियन 250 के अंदर आपको अपना अवेलेबल अपना हो रहा है क्विक शिफ्टर भी। एंड भाई बात करते हैं हम अपने इसके अपने पहले मीटर कंसोल की, तो भाई एक मिनट, तो भाई पहले दिखा दो कि आपको, तो भाई यहाँ पर आपको अपने सिंपल सी दो देखने को मिलती है बेब की, इसमें सिंगल लगी हुई है, एक और रखी हुई है वहाँ पर अंदर काउंटर पर रखी हुई है। एंड यहाँ पर लग के मिलती है इसके अंदर आपको अपनी ये विट प्रिंट 250 आपको अपनी हस्कवरना एक वेब की आपको अपनी प्रोवाइड करती है अपनी बाइक के साथ में। तो इसको करते हैं बाइक पर अपनी इंसर्ट। एंड देखो भाई इसका अपना पूरा इसका नज़ारा, तो भाई ये आपको अपनी 11,000 तक की मिल रही है आपको अपनी RPM लिमिट, इंजन चेक लाइट मिल रही है, ABS लाइट मिल रही है, डुअल लाइट मिल रही है। एंड बाइक के अंदर आप सभी को अपना सुपर मोटो ABS मिल जाता है, जैसे कि भाई बाइक के अंदर आपको अपने डुअल चलन ABS मिल रहे हैं। एंड भाई बाइक के अंदर आपको अपनी पीछे वाला जो अपने ABS है वो अपना मैनुअली अपना ऑन ऑफ अपने मन के हिसाब से अपना ऑन ऑफ आप अपने जरूरत के हिसाब से अपना कर सकते हो अपना पीछे वाला ABS अपना बाइक के टायर का, ठीक है जी। एंड भाई बात करें बाइक के अंदर इसके कंट्रोल्स में, देखो भाई आपको दिखाता हूँ एक मिनट, तो फ्यूल रिजर्व तो दिखा रखा है, बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज कितना टाइम रेंज दिया है कितना दिखा रखी है, रियर वाला ABS अपना ऑन दिखा रखा है आप सभी अपनी, बाकी न्यूटन कितने वगैरह गियर शिफ्ट दिखा रखा है पूरा, और पेट्रोल वगैरह लो दिखा रखा है अपना, उसका लेवल भी दिखा रखा है जो अपनी बाइक का गर्म ठंडी इतनी है अपनी। एक मिनट रुक जाओ भाई, हो जा भाई हो जा। हाँ तो भाई यहाँ से कंट्रोल्स देखो अपने, हाँ देखो तो दिखाओ इसमें एक ये दिखा रोड ABS में, एक दिखा रहा आपको सुपर मोटो, सुपर मोटो में बता दिया मैंने आपको अपना कि पीछे वाला अपना ऑन कर सकते हो। एंड बाकी रोड में भी अपना एक ABS का सिस्टम है वो भी अपना कर सकते हो इसमें। एंड यहाँ पर आपको अपना एक हो गया, इसको करते हैं बैक। एंड यहाँ पर आपको अपनी ABS में मेन्यू में आ गया बाइक इन्फो, इसको इसमें क्लिक करते हैं, तो इसमें आपको इंजन टेम्परेचर रेंज बैटरी बैटरी का जो भी वोल्टेज है ऑटोमीटर सर्विस वगैरह दिखाएगा आप सभी को अपनी, एंड वार्निंग दिखाएगा अपनी, ठीक है। और अब आते हैं इधर की तरफ ट्रिप इन्फो में आ गए, ये आ गए लैंप टायर दिखाया था आपको, इसमें भी इसमें आपको स्टार्ट लैंप हो जाएगा अपना, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी अपनी। एंड यहाँ पर आप सेटिंग्स वगैरह जाकर चेंज कर सकते हो अपना फेवरेट शिफ्टर को, शिफ्टर प्लस शिफ्ट लाइट एंड अपनी इसको डेट वगैरह ये सब चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। एंड ठीक है, तो ये था पूरा इसका अपना। और बाइक के अंदर आपको अपना 5 इंच का मिलता है आपको डिस्प्ले आप सभी को देखने को LCD आपको इस तरीके से। एंड कंट्रोल्स बाइक यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने। एंड यहाँ क्या मिलता है आपको अपना इसका पासिंग का स्विच, ठीक है, हाई बीम लो बीम कर सकते हैं इस तरीके से अपना।
एंड ये रखे मिलता है आपको अपना, ये हजार्ड ब्लिंकर का मिल रहा है आपको स्विच अपना, जो मिलता है आपको अपना अलग से लगे मिलता है इसके अंदर आप सभी को अपना। एंड यहाँ मिल के मिल रहा है इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच, मिल रहा आपको इंजन की स्विच, एंड मिल रहा है आपको मेन अपना सेल्फ का स्विच आप सभी को देखने को मिल जाता है इस तरीके से। एंड बाकी आपके जो हैंडल बार की फिनिश है वो आपको स्ट्रेट देखने को मिल जाती है, आपको हल्की सी साइड से बैंड देखने को मिल जाती है, बट यहाँ तक पूरी आपको स्ट्रेट देखने को मिल जाती है इसके अंदर आपको। एंड बात करें बाइक के अंदर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो भाई ये 13 लीटर की मिलती है बाइक के अंदर आपको अपनी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एंड भाई बात करते हैं बाइक के अपने पहले क्या मेन इंजन की, तो भाई ये आपको अपना सिंगल सिलेंडर FI कूल इंजन देखने को मिल जाता है। एंड भाई बात करें इसके मैक्स पावर की, तो भाई ये 31 PS की पावर प्रोड्यूस करते हैं। बात करें इसके मैक्स टॉर्क की, तो 25 Nm का टॉर्क बाइक प्रोड्यूस करते हैं अपनी, इसका Nm टॉर्क अपना। एंड बात करें बाइक के अपने एवरेज की, तो भाई 33 का कंपनी इसका अपना एवरेज क्लेम करती है अपना। एंड भाई ये थी कुछ अपनी पूरी बाइक की डिटेल्स वगैरह। एंड भाई बात करते हैं बाइक के अपने पहले मेन क्या प्राइसिंग की, तो भाई ये आपको अपनी एक्स शोरूम पड़ती है आपको अपनी 2,19,000 रुपीज़ की, 2,19,000 की पड़ रही है आपको अपनी एक्स शोरूम प्राइसिंग के अंदर। एंड भाई जो भाई मेरी वीडियो देख रहा है अपनी पटना से, बिहार से, लखनऊ देख रहा है, तो भाई जहाँ भी आपको अपना नियर बाई शोरूम है ना, मुझे पता करो भाई आपकी ऑन रोड प्राइस अपनी क्या पड़ रही है अपनी हस्वर्णा की बिटवीन 250 के पास में, जो भी आपका KTM का नियर बाई शोरूम है वहाँ पता कर लो भाई, वहाँ पे आपको बाइक अपनी आराम से मिल जाएगी। पता करो भाई वहाँ पे आपकी ऑन रोड प्राइसिंग क्या पड़ रही है। एंड भाई जो मेरा भाई देख रहा है वीडियो मेरी दिल्ली से, तो उसके लिए बता तो भाई 2,54,000 रुपीज़ की पड़ रही है आपको अपनी ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर पड़ रही है आपको अपनी, ये आपको अपनी हस्वर्णा बिटवीन 250 इस तरीके से। एंड इसमें आपको अपने हेलमेट वगैरह एंड RTO वगैरह सब कुछ इसके प्राइसिंग आपको इंक्लूड मिल जाती है आपको अपने 2,54,000 रुपीज़ के अंदर, ठीक है, ये थी इसकी प्राइसिंग वगैरह। एंड भाई क्या करते हैं वीडियो करते हैं अपनी एंड यहीं पर आप सभी को अपनी। एंड भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई जाने से पहले मेरी वीडियो को सब लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना। एंड मिलते हैं आपको अपनी एक और सी अच्छी सी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर अभी के लिए टाटा बाय बाय। एंड भाई मेरी वीडियो को सब लाइक एंड जरूर कर देंगे, भाई ऐसी धूप में आते हैं वो बाइक पाया हूँ भाई, उसको कर स्प्लेंडर मेरी वाली ये धूप में आओ, तो भाई एक लाइक तो बनता बनता है, सब्सक्राइब तो बनता बनता है। ओके तो मिलते हैं आपको अपनी एक और अच्छी सी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर अभी के लिए टाटा बाय बाय।